हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप। भावना गुडविल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ बचपन के दिनों में और आपके लिए एक ऐसी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी जो आपको बचपन की याद करा देगी, क्योंकि मुझे भी आज बचपन के दिनों में जाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ली है मैंने, कच्ची मूंगफलियाँ ली हैं, ये आधा किलो मूंगफलियाँ हैं और मैंने कच्ची मूंगफली ली थी और जिनको मैंने कढ़ाई में डालकर, तो पहले मैंने जैसे जिस तरह कढ़ाई गर्म होती है उस तरह से पहले कढ़ाई को गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पर। जब कढ़ाई गर्म हो गई, गर्म हो जाने के बाद में मैंने इनको करीब लो फ्लेम पर इनको करीब 10-12 मिनट के लिए मैंने अलट पलट के इस तरह से मैंने इनको लगातार कंटिन्यू चलाते हुए इनको भून लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये अब हो गई है ठंडी। तो मैं सबसे पहले इनकी स्किन पील ऑफ कर लेती हूँ और ये भूनने के बाद में बहुत ही अच्छी तरह से इसकी स्किन निकल जाती है। तो सबसे पहले गुड़ की चिक्की बनाने के लिए हमको भुनी हुई मूंगफली की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इस मूंगफलियों को ड्राई रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। इसके बाद में मैं इनका छिलका निकाल लेती हूँ, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर आपकी मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है तो इसका छिलका बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। तो मैं पहले इनको निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये छिलका निकल रहा है। अगर ये कच्ची रह जाएंगी तो इनका छिलका नहीं निकलेगा, इसकी ये पहचान है। तो मेरी मूंगफली बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हुई है। आप इनको इस तरह से रगड़ें इनको, इससे ये होगा कि इनका छिलका भी तो निकलेगा निकलेगा, साथ में इसके जो मूंगफली के जो पार्ट हैं वो भी हमको 2 पीसेस करने हैं, तभी हमारी चिक्की अच्छी बनेगी। तो आपको इस तरह से इसे रगड़ना है ताकि ये टूट भी जाए और छिलका भी आसानी से निकल जाए। तो इसको रगड़ के मैंने सारे छिलके इसके निकाल दिए हैं। तो इसको मैं पलटूंगी इस प्लेट में और इनके छिलकों को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे फटकते हुए इसके सारे छिलकों को मैं निकाल लेती हूँ और मूंगफलियों को एकदम पील ऑफ कर लेती हूँ। इस तरह से आप इसे आसानी से साफ कर सकते हो। तो सारी मूंगफलियों को मैंने साफ कर लिया है, छिलके निकाल दिए हैं इनके। और इनके छिलके निकालने के बाद आप इस तरह की कोई भी कटोरी ले लीजिए जिसका चौड़ा हो तला, तो इससे आप इनको ऐसे क्रश कर सकते हो ताकि सारी मूंगफलियां 2 पीसेस हो जाएं। और गुड़ की चिक्की बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसकी जो मूंगफली के दाने हैं वो सारे 2 पीसेस होने चाहिए, तभी आपकी चिक्की एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मैं इनको 2 पीस कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं सारे पीस 2 पीसेस हो गए हैं। तो मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने मूंगफलियाँ छील कर रेडी कर ली हैं, उनको 2 पीसेस भी कर लिया है। और इसके बाद में मैंने लिया है ये जैगरी रॉ शुगर, गुड़ लिया है मैंने ये 1 बाउल, और 2 चम्मच मैंने, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ये घी, इसको मेल्ट कर लिया है। और थोड़ा सा हमको पानी चाहिए गुड़ की चिक्की को चेक करने के लिए, गुड़ को, और 1 थाली चाहिए इसकी चिक्की को जमाने के लिए, और 1 चाहिए इसके लिए नाइफ चाकू चाहिए इसको काटने के लिए। तो चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिक्की जमाने के लिए जो थाली ली है उस पर मैं घी लगा लेती हूँ। अच्छी तरह से आपको ये ग्रीस कर लेनी है घी लगा के। तो मैंने इसे अच्छी तरह से थाली को ग्रीस कर लिया है घी से। तो अब गुड़ की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो गैस मैंने चालू कर दिया है, इस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म होने वाली है। तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी गुड़, गुड़ डाल देती हूँ इसमें, और गुड़ के साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो घी है वो कढ़ाई से चिपके नहीं। तो मैं इनको धीरे धीरे लो फ्लेम पर इस घी को पहले मेल्ट कर लेती हूँ, पिघला लेती हूँ इसे। जब तक सारा गुड़ पिघल नहीं जाता है, मेल्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, वरना जो गुड़ है वो तले से चिपक जाएगा और जो गुड़ की चाशनी है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। गुड़ सारा हो गया है मेल्ट, आप देख सकते हो बिल्कुल मेल्ट हो गया है सारा। तो मैं इसे अभी थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी, तब तक इसमें गाढ़े झाग आने स्टार्ट न हो जाए। लेकिन आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और अपनी मीडियम कर देना है फ्लेम को। तो 2 मिनट ये कुक हो गया है, तो अब चेक करते हैं। थोड़ी सी ये चाशनी इसमें डालूंगी गुड़ की और इसे ठंडा होके चेक करेंगे। इसका ठंडा होने के बाद में जो इसका डो है गुड़ का वो एकदम कांच की तरह टूटना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, देखिए हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए ये बिल्कुल एकदम खिंचा हुआ है, इसका मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ी देर अभी और पकाएंगे 1 मिनट के।
तो 1 मिनट हो गया है, चेक करते हैं दोबारा से। तो डालती हूँ इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के देखती हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा तब चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं ये परफेक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको देख सकते हैं, देखिए ये एकदम टूटने लगा है, एकदम क्रिस्पी हो गया है, टूट रहा है आराम से। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो इसमें झटाफट एकदम अपनी सारी मूंगफलियां डाल दीजिए। मूंगफली डालने के बाद में आपको बहुत ही स्पीडली काम करना है, बहुत ही जल्दी से इसे मिक्स करना, और फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल बंद। और इसको मिक्स करने के बाद में बहुत तुरंत ही आपको इसे ग्रीसिंग की हुई थाली में डालना है। तो मैं इसे थाली में पलट लेती हूँ, और इसको डालने के बाद में आप बहुत ही स्पीड से काम करना है आपको, वरना ये सेट हो जाएगी। तो आपको इसके फैला लेना है इस तरह से, जितनी आपको इसकी मोटी शेप चाहिए आपको उतना ही इसे फैला लेना है। तो ये बेलन पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद में इसे आपको बेलन से इस तरह से बेल लेना है, पतला करके। जितना आप इसे पतला करना चाहते हैं उतना ही आप इसे बेल लीजिएगा इस तरह से, और चारों तरफ घुमाते हुए आप इसे अच्छी तरह से पतला कर लीजिए बराबर साइज में। और देखिए मैंने इसको बेल लिया है चारों तरफ घुमा घुमा के। और आप इसे, ये ठंडी हो चुकी है तो आप इसे अपने हाथों से सेव दे सकते हो इस तरह से। इस तरह से मैं इसको स्क्वायर साइज में कर लेती हूँ। ठंडा हो चुका है हल्का हल्का, तो मैंने इसे सेट कर लिया है और चारों तरफ से इसे सेट कर दिया है। तो मैंने एक चाकू लिया है, चाकू पर भी मैं हल्का सा घी लगा लिया है। अब इसे हल्का सा जब गुनगुना होगा उसी कंडीशन में आपको इसकी शेप देनी है। अगर ये जम जाएगा तो ये इसकी शेप नहीं कट पाएगी। तो मैं इसको अभी से शेप ले लेती हूँ जिस तरह से मुझे इसके पीसेस करने हैं। तो आपको थोड़ा दम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, बहुत ही स्पीडली आपको काम करना है। देखिए बहुत ही इजीली हो पा रहा है ये सब। देखिए इस तरह से शेप निकाल लेते हैं इसकी। थोड़ा हार्ड कटता है लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपको मूंगफली की चिक्की खानी है तो इतना तो नाज आपको उठाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए थोड़ा टाइटली हो रहा है लेकिन ये हो चुका है डन। तो मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं और अब इसको हम ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद में हम इसके पीस अलग निकालेंगे। तो पहले करीब 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, इस इतने ही टाइम में ये फिक्स हो जाएगा। तो हो चुके हैं 10-15 मिनट और एकदम ये ठंडी हो गई है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी आप इसे निकालें, अगर ये थोड़ी सी भी गर्म होगी तो ये नहीं निकलेगी। तो मैंने जो कट लगाए थे उस कट से मैं इनको हटा देती हूँ। ये बिल्कुल ठंडी हो गई है तो आराम से इजीली सारे कट अलग हो रहे हैं। और देखिए ये बिल्कुल मैंने अलग कर दिए हैं, और आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए देखिए आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया मूंगफली की चिक्की बनके रेडी हुई है। बहुत ही टेस्टी है ये, और मैं आपको इसे निकाल के रख लेते हैं इसे। ठीक, और आपको इस टाइम बहुत ही मोटे वाले चाकू की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए वरना आपका चाकू आपके हाथ में टूट के आ जाएगा। तो मैं इनको निकाल के रख लेती हूँ, और मैंने इनको सबको ढीला कर लिया है। देखिए बहुत ही इजीली निकल रही है। अगर आपका जो घी है वो जम चुका है तो आप इसे थोड़ा सा गर्म कर सकते हो, और देखिए सारी निकल चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही इजीली बन जाती है। और मैं आपको एक चिक्की तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए देखिए आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल टूट गई है। और आपको एक और दिखाती हूँ तोड़ के, देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है एकदम। देखिए बिल्कुल टूट गई है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हो। और मैं इनको एक प्लेट में लगा लेती हूँ, और गुड़ की चिक्की हो गई है एकदम बन के रेडी। और आप देखिए बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट, हेल्दी बनी है, और जाड़े के मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मूंगफली की ये गुड़ की चिक्की एक बार जरूर बनाएं। और इसे गुड़ की पट्टी बोलते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे इसे बहुत लाइक करते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।